नमस्कार, एकेएस न्यूज चैनल में सभी का स्वागत है। वीडियो फुटेज खंगाली जा रही है गुलाबा बैरियर की। मनाली थाना प्रभारी मोहन रावत ने कहा कि वाहन चालक कुलदीप द्वारा वीडियो जारी कर गुलाबा बैरियर में हो रही धांधली मामले को पुलिस ने वाहन चालक कुलदीप से सहयोग मांगा है। मनाली में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि एसपी कुल्लू के नेतृत्व में मनाली पुलिस सैलानियों व स्थानीय लोगों को बेहतरीन सेवाएं देने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि बीते दिनों टैक्सी ड्राइवर कुलदीप कुमार को गुलाबा बैरियर में कुछ गाड़ियां बिना परमिट के जाने की बात की थी। इस संदर्भ में उपमंडल अधिकारी द्वारा इस मामले की जांच करने को कहा गया है। एकेएस न्यूज चैनल के लिए मधुबाला ब्यूरो की एक रिपोर्ट। सर, जो गुलाबा बैरियर पे वीडियो वायरल हुआ था उसकी जानकारी दें। जी, 20 तारीख को कोई कुलदीप कुमार जो टैक्सी ड्राइवर है उसमें वीडियो वायरल हुआ था गुलाबा बैरियर से जो है कुछ गाड़ियां बिना परमिट के क्रॉस हो रही है। उसके बारे में हमें एसटीएम साहब से एक इंक्वायरी करने के लिए लेटर प्राप्त हुआ था, जिस इंक्वायरी के संदर्भ में, जांच के संदर्भ में पिछले कल दिनांक 22 तारीख को हमने कुलदीप कुमार को थाना में उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया था और उससे हमने सहयोग की अपील की और उससे हमने कहा कि जो भी आपके पास इससे संबंधित कोई भी रेलिवेंट कोई रिकॉर्ड या रेलिवेंट कोई एविडेंस हो जिसके तहत हम दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच कर सकें और जो भी एरिंग कोई भी व्यक्ति है, चाहे ऑफिशियल है चाहे कोई अन्य व्यक्ति है, उसके खिलाफ निष्पक्षता से हम जांच कर पाए और दोषियों को उनके किए की सजा मिल सके, उसके लिए सहयोग की अपील की। लेकिन पिछले कल उसने जो है हमें सहयोग नहीं किया और नहीं अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई, बल्कि सोशल मीडिया के थ्रू उसने कुछ और बातें इसमें कही कि जो है वो जो सोशल मीडिया के थ्रू उसने बातें की उसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। उसको सिर्फ जाँच के लिए बुलाया गया था और उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी थी। और जितने भी एरिंग्स लोग हैं, जैसे बिना परमिट वाली है या कोई दूसरे एमपी एक्ट के वायलेशन वाले लोग हैं जिनको उनकी रेगुलर हम कार्रवाई कर रहे हैं और उनके ऊपर रेगुलरली हम जो है उनके चलान कर रहे हैं, उनकी परमिशन चेक कर रहे हैं। सर, आपके जो जवान हैं वो कितने बजे मॉर्निंग से ड्यूटीज देते हैं अपनी? वो सुबह 5 बजे के बाद जो है वो कुछ लाहौल की तरफ गाड़ियाँ जाना शुरू हो जाती है जो लाहौल जाने वाले हैं, उसके बाद शेड्यूल के अनुसार जैसे जैसे शेड्यूल प्रशासन की तरफ से आया उसके अनुसार हमारे जवान और एनजीटी का जो स्टाफ है वो कार्य कर रहे हैं।